मामला करनाल के त्रावड़ी कस्बा की दुर्गा कॉलोनी से 9वीं क्लास में पढ़ने वाले दो दोस्तों का पिछले 4 दिनों से घर से लापता होने का है। इस मामले के मीडिया में आने के बाद पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सैनी ने कैमरे के सामने आश्वासन दिया, कहा कि जल्दी केस को सॉल्व करके बच्चे सकुशल घर लौटाए जाएंगे। आपको बता दें, लापता बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चों के परिजनों ने कहा, नरेंद्र व संदीप दोनों घर से स्कूल के लिए निकले थे, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए निकले थे। 3 साथी अपने घर वापस लौट आए, जबकि इन दोनों का अभी तक पता नहीं चल सका। परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई है ताकि उनके लापता बच्चे सकुशल घर लौट आए। त्रावड़ी के अंदर ये 5 बच्चे थे जो नहर पर नहाने गए थे, जिसमें से 2 लड़के संदीप और नरेंद्र नाथ, ये दोनों गायब हो गए थे और बाकी 3 व्यक्ति वापस आ गए थे। तो जो नरेंद्र नाथ हैं, उनके पिता के बयान पर इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने 2 लगाया है कि 2 आरोप उनके द्वारा मुख्यतः लगाए गए हैं। पहला आरोप ये है कि हो सकता है जी मेरे बच्चे डूब गए हों। दूसरा आरोप ये है कि जो साथ में नहाने गए थे उनसे पूछताछ की जाए या उनको छुपाने में या गायब करने में इनका हाथ है। तो पुलिस, जैसे ही ये सूचना आई, पुलिस द्वारा FIR नंबर 198 रजिस्टर की गई और SHO स्वयं मौके पर गए, सारी जांच कर रहे हैं इसके अंदर, और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही इस मामले को ट्रेस कर देंगे।